रायबरेली में 9 अक्टूबर को डीफार्म के छात्र आदित्य उर्फ रवि हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए ढाबा संचालक समेत 5 कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस की माने तो जांच में पाया गया कि सबसे पहले मृतक आदित्य को ढाबे में पीटा गया और फिर जब वह अपनी बाइक से भाग रहा था तो 2 चार पहिया वाहन से उसका पीछा किया गया और 4 पहिया वाहन से टक्कर मारकर उसको मौत के हवाले कर दिया गया। आपको बता दें कि आज रवि हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने ढाबा संचालक सुरेश यादव समेत 5 अन्य कर्मचारी को गिरफ्तार किया। पिछले 4 दिनों से लगातार सुर्खियों में रहे रवि हत्याकांड को लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 4 टीमों का गठन किया गया था और पुलिस को सफलता हाथ लगी। रवि हत्याकांड से जुड़े सारे सबूतों को और सीसीटीवी फुटेज की मदद से ढाबा मालिक सुरेश यादव सहित 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी और भी जो लोग इस घटना में शामिल हैं उनकी तलाश कर जल्द ही उन्हें भी जेल भेजा जाएगा। तो हमने भी कहा है उसको पूछा रहा था, क्या पूरा मामला निकल के आया, क्या कितने लोग गिरफ्तार हुए? जी देखिए 9 और 10 अक्टूबर की मध्य रात्रि में जो ये घटना हुई थी, जो सोमू ढाबा से शुरू होके हरसनपुर थाना क्षेत्र में रवि उर्फ आदित्य प्रताप सिंह की बॉडी मिली थी उसकी बाइक के साथ, ये प्रकरण हमने संज्ञान लिया था और उसका प्रभाव से इसमें हमने अभियोग पंजीकृत करते हुए जो परिजनों के आरोप थे कि हत्या की गई है उसी लाइन पे हम लोगों ने इसमें विवेचना करके 4 टीमों का गठन किया। एडिशनल एसपी साहब के पर्यवेक्षण में CO सिटी, CO महाराजगंज और हमारी मलेरिया हरजनपुर और स्वाट सर्वेलेंस टीम ने बहुत मेहनत से पिछले 3 से 4 दिनों में सभी साक्ष्य संकलन करने के बाद, CCTV फुटेज खंगालने के बाद, लखनऊ विधि विज्ञान प्रयोगशाला की मदद लेने के बाद और PM रिपोर्ट के आधार पे हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि जो घटना एक छोटे से विवाद से शुरू हुई थी खाने को लेकर सोमू ढाबा पे, बढ़ते बढ़ते उसने गंभीर रूप अख्तियार किया। इसी दौरान रवि और आदित्य को दौड़ा के जब वो भागा तो उसका पीछा 2 वाहनों द्वारा 10 से 11 लोगों ने किया और मौका देखकर जो अब तक के साक्ष्यों से पता लगा है उसके बाइक को पीछे से टक्कर मार दी गई जिसके कारण उसके गिर के सिर में चोट आने की वजह से मृत्यु हुई जाना प्रतीत हुआ है। इसी क्रम में हमने पिछले लगभग जो 3 से 4 दिन में मेहनत की उसमें अब तक हम लोगों ने जो मेन नामजद अभियुक्त हैं सोनू ढाबा के जो संचालक भी हैं सुरेश यादव, उनको व उनके साथ 6 अन्य जो उनके ढाबा कर्मी हैं जिन्होंने मारपीट की या गाड़ियों में पीछा किया अंत तक इस लड़के का, उनको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। हमारी अग्रिम विवेचना में जो हम लोग अभी कर रहे हैं विवेचना में और भी तथ्य आ रहे हैं और तथ्यों के आधार पे, साक्ष्यों के आधार पे, जो मौके पे उपस्थित थे लोग चश्मदीदों के गवाहों के आधार पे, वादी के बयानों के आधार पे, मुझे उम्मीद है कि इसमें कुछ अन्य गिरफ्तारियां अभी की जाएंगी। इसी क्रम में हम लोग प्रयास करेंगे कि अगले कुछ दिनों में 2 से 3 दिन में शेष गिरफ्तारियां भी करके इस पूरे मामले का पटाक्षेप हम करेंगे और फिर फेयर वे में इन्वेस्टिगेशन करके इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। Thank you.